बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलें तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। ब्रेड से आपने शाही टुकड़े तो बहुत खाए होंगे, मगर आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेड से एक मिठाई तैयार करूँगी जो कि है शाही मिठाई। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार होती है, तो चलें देखते हैं कि ये कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हम डबल रोटी के 5 से 6 अदद बड़े स्लाइस लेंगे और उनके चारों किनारों को काट के अलहदा कर देंगे। अब हर स्लाइस के 4 टुकड़े करेंगे। 4 टुकड़ों को अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में घी को गर्म करेंगे। घी इतना होना चाहिए कि ये स्लाइस जब हम डालेंगे तो ये डीप फ्राई होना चाहिए। घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, दरमियानी सी हल्की आंच पर हमें घी को गर्म करना है। फिर उसके बाद एक एक करके हम स्लाइस को घी के अंदर डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। बहुत डार्क सा कलर नहीं आना चाहिए, बस हल्का सा क्रिस्पी होता जाए। आप साइड चेंज करें और फ्राई करके इसको किसी छन्नी पे निकाल, ताकि जो भी एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए। अब बारी आती है इन फ्राई किए हुए पीस को शीरे में डिप करने की। इसके लिए हमें एक शीरा तैयार करना होगा। शीरा तैयार करने के लिए हमें 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी चाहिए। जैसे ही चीनी घुल जाए और पानी में उबाल आने लगे तो हमें ज़्यादा देर शीरा नहीं पकाना है और बहुत गाढ़ा नहीं करना है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आप हाथ पे चेक करें तो शीरा थोड़ा सा चिपचिप ही होना चाहिए, और उसके बाद फिर आप चूल्हा बंद कर दें। हल्का ठंडा होने के बाद अब हम फ्राई की हुई स्लाइस को हम एक एक करके शीरे में डिप करेंगे। डिप करके हमें ज़्यादा देर तक के लिए नहीं छोड़ना है, बस फौरन हमें दोनों साइड पे शीरा लगा करके इन स्लाइस को फौरन बाहर निकाल लेना है, और निकाल करके किसी छन्नी पे रखते जाना है ताकि एक्स्ट्रा शीरा जो है वो निकल जाए इसमें से। अगर शीरे में ज़्यादा देर तक के लिए रहने देंगे इन स्लाइस को तो इनका क्रिस्पीपन जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसके अंदर खोया फिल करेंगे। खोया बनाना बहुत ही आसान है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो वो कुछ इस तरह से है। सूखा दूध हमें 1/2 कप चाहिए, पिसी हुई चीनी 2 खाने के चम्मच, 1 खाने का चम्मच मक्खन, दूध 1/4 कप, पिसा हुआ खोपरा 4 खाने के चम्मच, 3 से 4 अदद छोटी इलायची के दानों को निकाल करके उसे कूट करके वो भी शामिल करना है। अब एक प्याले में हम सबसे पहले सूखा दूध डालेंगे, पिसी हुई चीनी और मक्खन डाल करके इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा सा दूध डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। इलायची के दाने और पिसा हुआ खोपरा भी डाल करके इसमें मिक्स करते जाएं, और सारा दूध डाल करके अच्छा सा एक पेस्ट बना लें। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो ये हमारा खोया तैयार है। अब इस खोए को हम शीरा लगी स्लाइस के ऊपर लगाते जाएंगे और दूसरा पीस हम इसके ऊपर रखते जाएंगे। दोनों को अच्छी तरह हाथ से प्रेस करके रखते जाएं। इसी तरह से हम बाकी के तमाम पीस पर भी खोया लगाते जाएंगे और अपनी मिठाई तैयार करते जाएंगे। इसके बाद हम बादाम और चांदी के वर्क से इसको सजाएंगे, और 2 से 3 घंटे के लिए हमें फ्रिज में लाजमी रखना है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। उसके बाद फिर आप इसको खाएँ और घर वालों को भी खिलाएं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।